आज राते 11 थी 11:30 वच्चे राजकोट शहर में जंगलेश्वर विस्तार में पतरा तोड़वा माटे 500-700 लोकोना टोला जेमा महिलाएं अने पुरुष हता अने ज्यारे एक बे पतरा तोड़वानी अपने माहिती मळी त्यारे लोकल बंदोबस्त तथा राजकोट शहरना अधिकारियों अने पुलिस स्टाफ पूर्ति मात्रा में आवी गया। आ लोगों ने समझावट थी ज्यारे आ नथी मानता था अने आ ज्यारे पत्थरमारा ने एक नानकड़ो बनाव बना था त्यारे लोगों ने विखेरवा माटे केम के 500-700 लोगों ना टोला था तो कुछ टीयर गैसना शेल फायर करा छे अने लाठीचार्ज हलवा बल प्रयोग करा छे अने हाल स्थिति काबू में छे। कोई फायरिंग ना बनाव नथी जो अफवाओं ने मीडिया मित्रों थी जाणवा मळे छे आ कोई प्रकार ना बनाव छे नहीं। कोई मोटी इजा कोई नुकसान नथी अने हाल में अत्यारे अधिकारीओनी अने लोकल आगेवानों ने साथे मीटिंग चाले छे अने आ जो जो हमने सहकार आपे छे कि जो लोग आमा इन्वॉल्व छे आने अपने अत्यारे अभी पुलिस स्टेशन में लई जाय छे भक्तिनगर पोस्टे। हाल विस्तार में शांति छे अने जे जे पतरा तूटा छे आने फरीथी नाखवानी प्रक्रिया चालू छे अने जो जो अपने आइडेंटिफाई करीने सीसीटीवी माथी अने लोकल सोर्सेस थी ओळखीने आना उपर कायदेसर कार्यवाही अत्यारे भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर पछी करवामां आवशे। सर केटला केस टीयर केस जोड़वामां आवे अत्यारे तो अभी जे कार्यवाही पूरी थई छे थोड़ी वार में अपने बधाने जाण करशुं। सर केटला राउंड पासानी कार्यवाही थई शके छे कोई अत्यारे तो अपने एफआईआर करीए छीए एफआईआर में आइडेंटिफाई करवा पछी अपने क्या अटकायती पगला लेवा मांगे छे अत्यारे एपिडेमिक एक्ट पण चालू छे। केटला लोकोनुं सामे आव्युं ત્યારે સીસીટીવીના અને અમારા માધ્યમથી બીજા લોકોને જો પોલીસ સ્ટાફ ત્યાં હાજર હતા આ લોકો કહે છે કે 500-700 જેટલા પુરુષ અને મહિલાઓના ટોલા હતા કંટ્રોલ રૂમમાં પણ આ લોકો દ્વારા તોડફોડ કે કોઈ એવી કોઈ ઘટના સામે જ્યાં પતરા હતા ત્યાં અમારા કંટ્રોલ રૂમ હતા ત્યાં પણ એ લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા। અત્યારે આપણે એસેસમેન્ટ કરીએ છીએ શું શું નુકસાન કર્યા છે પછી આપણે રાઉન્ડ અપ પણ કરવા ચાલુ કરી લીધા છે અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। બંદોબસ્ત આપણે એડિક્યુએટ રાખવામાં આવશે અને લોકલ પોલીસ રાજકોટ શહેરના બીજા પોલીસ સ્ટેશનથી અને એસઆરપીના બંદોબસ્ત છે બંદોબસ્ત પૂરતી માત્રામાં છે અને સમયસર પોલીસ પહોંચી ગઈ છે અને લોકોને ફરીથી આપણે ઘરોમાં મોકલી દીધા છે। મિસફાયર થતા એક સામાન્ય ઈજા પણ જવાનને પહોંચી છે મેં અત્યારે મને બાબતની જાણ નથી।